लहसुन गरम मसाला दही, इसमें दही डाला है, प्याज है, मिर्ची है, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, बस पुदीना, धनिया पत्ती, नमक, इसको डाल के हम कम से कम एक घंटा रखते हैं। 2 किलो गोश्त में 4.5 चम्मच के आसपास गरम मसाला डाला गया है इसमें, और इसको मैरिनेशन के लिए आप मैक्सिमम 2 घंटा भी रख सकते हैं। और जब कढ़ाई में तेल डालकर आप तेज़पत्ता, काली मिर्च और मीठी लकड़ी वगैरह डाल के इसको भूनने के लिए आप छोड़ें। इस तरीके से आप तेल डालकर मैरिनेट किया हुआ गोश्त भूनने के लिए छोड़ेंगे। अब 4 किलो जो गोश्त हमने लिया है उसमें 1 किलो के आसपास प्याज को लाल होने तक तलेंगे, और इसको कहते हैं हम लोग लाल प्याज को बिरिया। हमने यहाँ पर मैरिनेट गोश्त को डाला हुआ है और उसको हम भूनते रहेंगे, और आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। तो हमको प्याज इतनी लाल होए तक भूनना है, इसी को गोल्डन ब्राउन बोलते हैं, इसको यही है बिरिया। बिरयानी के लिए ये चावल के लिए गर्म पानी कर रहे हैं, इसमें तेज़पत्ता, बड़ा इलायची और इलायची और लौंग, छबीला, ये छबीला है, इसको देखेंगे, ये छबीला है, ये बड़ा इलायची है और ये तेज़पत्ता है, और इसमें मीठी लकड़ी भी है, और इलायची, काली मिर्च, और अगर आप चाहे तो लौंग भी डाल सकते हैं, और इसको उबलने तक अब इंतज़ार करेंगे इसका। अब आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमारी यखनी मोस्टली तैयार हो चुकी है, इसके बाद हम इसको उतार के रख लेंगे। हमने ये चावल बनाया था जिसमें 1 कनिका है, इसका मतलब अगर आप चावल को दबाते हैं तो ये पूरा पका नहीं हुआ है, थोड़ी सी उसके अंदर में कनी रहती है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमने जो ये प्याज को भूना है इसको 1 लेयर डालते हैं, और ये जो हमारी अखनी बनी है जिसको हमने रोस्ट कर लिया था, तो इसको अलग अलग लेयर में जमाते हैं, जैसा आप अभी देखेंगे थोड़ा डालना कि हमने गोश्त के साथ उसको मिला दिया, और ऊपर से ये बिरिया प्याज जो है उसको डालते हैं 1 लेयर, फिर चावल के 1 लेयर चढ़ाएंगे इसमें। और इस तरह का जब हम 3-4 लेयर इसकी कर लेते हैं, उसके बाद वापस हम इसको पकाएंगे ताकि हमारा चावल पूरी तरह से पक जाए, और ये हमारी बिरयानी तैयार है। खा के बताइएगा कैसी लगी।